प्यारे दोस्तों सज्जन मित्र को हम बताने जा रहे हैं कि आईपीसी 347 के तहत हम बता देते हैं आपको संपत्ति उगाही या अवैध कार्य करने के लिए गलत तरीके से अगर कारावास तो उसके संदर्भ में आरोपित किया जा सकता है 347 के तहत। और प्यारे दोस्तों हम बता देते हैं आपको ये जानकारी के लिए है ये वीडियो, और अधिक वीडियो जानने के लिए आप हमारे टर्मिनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर सब्सक्राइब लाइक करते रहिए ताकि हम आपको अधिकाधिक वीडियो आपके पास भेज सकें। और उसी के जरिए हम आपको बता देते हैं कि प्यारे दोस्तों हम जो जानकारी दे रहे हैं जिस जानकारी के लिए हैं और जानकारी के मार्फत आपको अधिकाधिक जानकारी देने की कोशिश करेंगे। ओके सर, थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ।